हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तो आज का जो मेरा टॉपिक है वो है कंट्री एंड कैपिटल्स। ठीक है, अब देखिए हम कंट्री एंड कैपिटल्स कितने कम समय में और कितनी बेहतरीन तरीके से समझते हैं। कंट्री एंड कैपिटल्स मैं आपको गारंटी लेता हूं, आप मात्र 2 सेकंड के अंदर ये आंसर देने वाले। ठीक है, अगर आपने इस वीडियो को पूरा देखा और इसके कंसेप्ट को समझा तो आप 2 सेकंड के अंदर पूरी की पूरी कंट्री, जितनी भी कंट्री है, आप उसके आंसर दे सकते हो। ठीक है, और अगर आपने थोड़ी सी मेहनत की तो लगभग 2 से 3 घंटे के अंदर आप पूरी की पूरी कंट्री को कवर कर सकते हो। दो घंटे बहुत होगा। ठीक है, 2 घंटे के अंदर आप पूरी की पूरी कंट्री को मेमोराइज कर सकते हो। इतनी स्पीड से कोई भी नहीं मेमोराइज कर पाएगा। अगर आप रियल में भी बैठने वाले हो लेके तो नहीं कर पाओगे, बट जिस टेक्निक से मैं बताऊंगा आपको मात्र 2 घंटे के अंदर पूरी की पूरी यूनिट, पूरी की पूरी कंट्री की कैपिटल्स याद हो जाएंगी और वो हमेशा के लिए हो जाएंगी। क्यों? क्योंकि वो सारी चीजें हमारे राइट ब्रेन में जाने वाली है, ना कि लेफ्ट ब्रेन में जाने वाली है। ठीक है, तो आप तैयार हो जाए उस चीज को समझने के लिए। उससे पहले आइए हम छोटी सी एक चीज समझ लेते हैं, जो कि मैंने कैलेंडर पढ़ाया था। ठीक है, जब मैंने कैलेंडर पढ़ाया था तो आप लोगों को बताया था कि रिविजन करते रहिए। कुछ लोग हैं जो रिविजन कर रहे हैं, बहुत बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। ठीक है, क्यों? क्योंकि रिविजन ही एकमात्र इस चीज का तोड़ है। जिसने जितना ज्यादा रिविजन किया उतना ज्यादा उसको माइंड में ये सेटअप होते जाएगा। ठीक है, क्योंकि आप अगर एक मूवी देखते हैं, अगर आपने एक मूवी देखा तो वो आपके राइट ब्रेन में जाता है, बट अगर आपने 2 से 3, 4 से 5 बार देख लिया तो आप घर पे बैठ के उस मूवी को बना सकते हो, इतनी ज्यादा आपको वो याद हो जाती है। ठीक है, आप 4 से 5 बार मूवी देखिए, आपको हर एक डायलॉग का एक लाइन याद रहता है। अब जैसे डॉन नंबर 1 की मूवी है, उसमें जो डायलॉग्स होते हैं वो सबके मुंह पे रहते हैं। क्यों? क्योंकि वो मूवी जितनी बार आती है सब लोग देखते हैं उसको, क्योंकि मूवी इतनी अच्छी है। ठीक है, हमारे राइट ब्रेन में बहुत अच्छे से जाती है। तो इसी तरह से हमको इन सब बातों को भी राइट ब्रेन में डालना है आपको। ठीक है, तो आइए थोड़ा सा एक टॉपिक है कैलेंडर्स के, पहले इसको समझ लेते हैं, उसके बाद हम कंट्री एंड कैपिटल्स पे चलेंगे। ठीक है, देखिए मैंने आपको 2 टेक्निक बताए थे कैलेंडर्स को सॉल्व करने के लिए। पहले तो हमको लीप ईयर पहचानना कैसे रहता है। लीप ईयर पहचानने के लिए हमारे पास 2 टेक्निक्स है। फर्स्ट टेक्निक क्या है कि हमको जो दिया गया है उसमें जो मंथ हो वो जनवरी या फरवरी हो। कौन सा हो? जनवरी या फरवरी। अगर वो जनवरी फरवरी नहीं है तो वो लीप ईयर नहीं है। ऐसा नहीं है, जब कोई भी मंथ जनवरी फरवरी हो प्लस उसके साथ ये जो भाग हो, हमारा ईयर जो हो वो पूर्णतः 4 से डिविजिबल होना चाहिए। किससे? 4 से डिविजिबल होना चाहिए। वो पूरा किससे डिवाइड होना चाहिए? 4 से, ये। ठीक है, बट अगर 4 से डिवाइड नहीं हो रहा है तो यहाँ जनवरी फरवरी देखिए कुछ मतलब नहीं है, क्योंकि दोनों कंडीशन सेटिस्फाई करनी चाहिए, बट यहाँ पे एक कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है तो इसलिए ये हमारा लीप ईयर नहीं है। तो लीप ईयर नहीं है तो क्या है ये, आइए समझते हैं। देखिए यहाँ पे जनवरी दिया हुआ 19 से, हमको कुछ भी मतलब नहीं है। 19 से हमको कुछ भी मतलब नहीं है, हमको 51 से। 51 डिविजिबल है क्या 4 से? नहीं है, तो ये लीप ईयर नहीं है। सिंपल सा है। आइए देखिए इनको हम थोड़ा सा समझ लेते हैं। मैंने आपको जो वीडियो बताए थे तो मैंने आपको 28 तक बताया था, 27 तक बताया था। ठीक है, 27 तक बताया, 28 के बाद मैंने क्या बोला था, 28, 56 एंड 84, इस तीनों का यूज करके आप पूरा 99 तक निकाल सकते हो। ठीक है, तो इन तीनों का यूज करके हम पूरा 100 तक कैसे निकाल सकते हैं? मैंने आपको बोला था कि यहां पे जो नंबर दिया रहेगा, यहाँ पे जो नंबर दिया रहेगा उसको माइनस नहीं करना है। इससे क्या माइनस हो रहा है वो इम्पोर्टेंट है। इससे क्या माइनस हो रहा है? ये माइनस हो रहा है, नहीं ये माइनस हो रहा है ना, 51 से 28 गया ना कि 51 56, 56 में 51 गया, 51 में 56 जाएगा क्या? नहीं, हमको नेगेटिव नहीं चाहिए यहाँ पे, बट हम ये तो कट कर सकते हैं ना, तो 51 से 28 हमको हटाना है। ठीक है, बहुत ये रेयर चांस था, मैंने आपको बताया था यहाँ पे गलतियां हो जाती है, इसलिए मैंने आपको बताया कि आप 56 में से 51 को माइनस नहीं करेंगे, आप 51 में से 28। क्यों? क्योंकि 51 में से 28 माइनस होगा, हमको नेगेटिव नहीं चाहिए यहाँ पे। ठीक है, आइए देखते हैं। तो इसका कोड 6 है, जैन का कोड मैंने बताया था +1 है, प्लस 20 51 28 क्या, तो कितना बचेगा? 23 बचेगा। ठीक है, 23 बचेगा। अब यहाँ पे मैंने आपको बोला था कि माइंड किस तरह से फटाफट करना, आपको 7 से डिविजिबल करते रहना है, जो भी नंबर आते हैं उनको 7 से क्या करते रहिए, डिविजिबल करते रहिए। हाँ, 21, 23। ठीक है, डिविजिबल करते रहिए, तो 6 1 7 7 गया, कैंसल हो गया, 23 बचा। अब ये 23 हमको सीधा नहीं लिखना था, मैंने तो अभी कोडिंग किया हुआ है, 23 के हमको कोड लेने हैं। 23 का कोड क्या, हमने इसको माइनस किया, माइनस करने के बाद हमको कोड नहीं लिखना, इसमें आप सीधा डिवाइड कर दे तो आप 7 7 आंसर बोलते हुए आया। ठीक है, ऐसा नहीं करना है, आपको 23 का कोड लिखना है। 23 का कोड क्या था, मैंने आपको बोला था 0 0 0 का 0 था, 0 4 का 4 था। ठीक है, और 0 उसके बाद 8 आया था हमारा, यहाँ पे 5 यहाँ पे 10 हो जाता था। ठीक है, तो इस तरह से मैंने आपको पूरा सीरीज बताया था, आप वापस से उस वीडियो को देख लेना अगर आप नहीं देखे हैं। हम इसको आज समझाते हैं फटाफट। देखिए 23 का कोड कितना हो जाएगा, मैंने बोला था इसमें +2 होगा, तो 3 2 5 7 7 डिविजिबल हो गया,
तो आंसर क्या है, ये भी डिविजिबल जीरो आंसर आया। तो जीरो क्या होता है, सैटरडे होता है, जीरो और सेवन के कोड में क्या सैटरडे होता है, ठीक है। जिन्होंने कैलेंडर देखा है वो उनके लिए है ये, ठीक है। जो नहीं देखे हैं तो उनसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा पहले वो वीडियो देख लीजिए। नेक्स्ट दैट इज सैटरडे। नेक्स्ट 12, यहाँ पे 12 दिया, फैब दिया, 1951 दिया, फटाक से इसको सॉल्व करेंगे, यहाँ पे 5 हो जाएगा, यहाँ पे 4 हो जाएगा, यहाँ पे कितना हो जाएगा 23 हो जाएगा, 23 का कोड करेंगे तो कितना 7 हो जाएगा, ठीक है। 23 का कोड करेंगे तो 7 हो जाएगा, 7 डिविजिबल गया, 7 गया, ठीक है। 5 4 9 9 गया, 2 बचा, ठीक है, 5 5 4 9 तो हमको 3 बचेगा, ठीक है। तो 3 क्या होता है, ट्यूसडे होता है, संडे 1 मंडे 2 ट्यूसडे 3, ये आपको मोर देन प्रैक्टिस करेंगे तो आपको ये आता जाएगा। तो ये 12 कैसे आया, 5 कैसे हुआ, 12 को मैंने डिवाइड किया 7 से, 7 से डिवाइड कर देंगे तो 5 बचेगा, 5 फैब का कोड होता है 4, 1951 कितना बचेगा, 51 को मैंने बोला था 23 बचेगा, 28 माइनस होगा 51 में, तो कितना बचेगा 23, 23 का कोड कितना होगा 7, 7 क्या है डिविजिबल बाय 7 0, ठीक है। तो यहाँ पे 5 + 4 बचा, 5 + 4 कितना 9, 9 डिविजिबल बाय 7 डिवाइडेड इज 2 देन 3 सॉरी 3 इज ट्यूसडे, ठीक है, ओके ट्यूजडे, ठीक है। नेक्स्ट 17 मार्च 1952 17 दिया हुआ, इसको फटाक से 7 से डिवाइड कर दीजिए, 17 7 से डिवाइड करते कितना होगा, या फिर आप इसको डायरेक्ट भी कर सकते हो, अगर मार्च का कोड 4 हो जाएगा, यहाँ पे 51 था 23, यहाँ पे 24 बच जाएगा, ठीक है। 24 का कोड लिखना है ना कि 24, तो 24 का कोड क्या होता है 4 - 2 24, ये 4 गया 2 तो 2 बचेगा, 2 हो गया, चार अभी क्या हो गया यहाँ पे, इसको 17 यहाँ पे 3 लिख दो, क्यों, क्योंकि डिविजिबल करेंगे तो 3 रिमाइंडर आएगा, 7 2 14, ठीक है, तो 3 हो गया, तो 4 5 6 7 ये क्या हो गया कैंसिल हो गया, 7 क्या बचा 2, तो दैट डे संडे इज दैट मंडे, ठीक है, मंडे हो गया, संडे इज 1 मंडे इज 2, ठीक है, मंडे फटाफट लिखिए, 13 आया तो यहाँ पे कितना हो गया 6 हो गया, वाई बिकॉज 7 से डिवाइड कर दिया तो कितना हो गया 6 हो गया, अगस्त का क्या होता है 3 होता है, 49 को कोडिंग करेंगे तो कितना होगा, ठीक है। तो इस तरह से आपको 49 का कोडिंग करेंगे तो कितना होगा 21 होगा, ठीक है। अब इसको करेंगे तो 6, अभी 21 का कोडिंग करेंगे तो 21 का कोडिंग मैंने कितना बताया था, इसको मैं 2 + 3 3 2 5 तो इसका 5 होगा, 21 नहीं लिखना हमको, 5 लिखना है, ठीक है। आगे अभी 6, अभी देखो इसमें से कुछ कैंसिल हो रहा है, फटाफट डिवाइड करते रहना है आपको, 6 + 7 एक गया 2 बचा, 2 + 5 7 दैट इज सैटरडे, 0 वाई बिकॉज रिमाइंडर इज 0, क्यों, 6 एक यहां से ले लिया 7, 7 गया बचा कितना 2, 2 लिखा प्लस 5 5 2 + 7 7 गया सैटरडे, 0 0 आया रिमाइंडर इज 0 दैट इज सैटरडे, ठीक है। तो ये चीजें मैं आपको बताने वाला था बस, ठीक है, ओके। तो ये बात हो गई, अब मैंने यहाँ पे यही कहा कि 28 56 84 को हमको किस तरह से माइनस करना है, ठीक है। चलिए अब आगे आज का हमारा जो टॉपिक है हम उसको फटाफट स्टार्ट कर लेते हैं ना कि टाइम वेस्ट करते हैं। कंट्री एंड कैपिटल्स देश, कंट्री एंड राजस्थान सॉरी राजधानी, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। अब देखिए इसको मैं किस तरह से आपको फटाफट याद कराता हूँ, मात्र 10 मिनट के अंदर आप पूरी की पूरी 22 याद बाहर कर सकते हो, ठीक है। बस आप थोड़ा सा सपोर्ट करिए और थोड़ा सा ध्यान लगाइए, फटाफट इमेज को बनाइए, माइंड में सेटअप करते चले जाइए। यहाँ पे दिया हुआ है केन्या, क्या दिया हुआ है केन्या, तो केन्या, बहरीन, क्यूबा, रूस, मिस्र, बांग्लादेश, जापान, चीन, लीबिया, चीन, यहाँ पे मैंने कंट्री देश लिखे हुए, यहाँ पे राजधानी लिखे हुए। केन्या, केन्या से वर्ड बनेगा कन्या, कौन सा वर्ड बनेगा कन्या, हमको पता है हमको दोनों तरफ से क्या करना है, वर्ड बनाना है, दोनों तरफ से बना के उसको कंबाइन करना है। तो फर्स्ट में केन्या, केन्या से बन गया कन्या, तो कन्या है नारोबी, नारोबी, जब कन्या लोगों की शादी होती है तो उसके पिताजी उनको गले लगा के बोलते हैं नारोबी, मतलब मत रो, ठीक है। थोड़ा सा भोजपुरी लैंग्वेज है तो आपको राइट ब्रेन में भेजना है तो नारोबी, या आप समझ सकते हो कि उस कन्या का नाम है रोबी, क्या नाम है रोबी, उसके पिताजी बोले नारोबी मतलब मत रो, ठीक है, नारोबी, तो क्या हो गया नारोबी, नोरोबी, ठीक है, केन्या क्या होगा नोरोबी। बहरीन, बहरीन को वर्ड बनाएंगे बहरी, बहरीन का वर्ड क्या बनेगा यहाँ पे बहरी, बहरी से बात करने के लिए मना किया है माने, बहरी से बात करने के लिए मना किया है माने, मना किया है माने, मना मा, ठीक है, मनामा, ये देखो मनामा, ठीक है। बहरीन, बहरीन, बहरी से बात करने के लिए माने मनामा, मतलब मना किया है माने, मना किया है माने, बहरी से बात करने के लिए मना किया है माने, तो बहरीन मनामा, ठीक है। नेक्स्ट क्यूबा, आप इमेज बनाते चले चले जाइए, आप घर पे गए
आपने बोला कि माँ मैं आप बहरी से बात कर रहे थे, मम्मी ने देख लिया, घर पे गए, मम्मी ने बोला कि बहरी से बात करने के लिए मना किया था, ठीक है, तो मना माँ, किसने मना किया, माँ ने, तो मना माँ। नेक्स्ट क्यूबा, क्यूबा इसको वर्ड बनाएंगे क्यू बाबा, ठीक है। नेक्स्ट क्यू बाबा का इसका कैपिटल क्या है, हवाना, क्या है, हवाना, तो क्यू बाबा हवाना, इसको किस तरह से बनाएंगे, देखो आपके पास एक बाइक है, ठीक है, कुछ भी ले सकते हो, बाइक या कार ले सकते हो, तो आपके पास बाइक है, वो आपकी बाइक है, तो बाबा ने बोला कि मुझे बाइक की चाबी दे दो, मुझे कहीं जाना है, बट आपको अच्छा नहीं लगता आपकी बाइक किसी को देना, तो आप गए वहां से हवा निकाल दिए, फटाक से बाइक का हवा निकाल दिए, आप इमेजिन कीजिए हवा निकाल रहे हो, आप हवा निकाल दिए, आपने हवा निकाला, तो बाबा आगे बोले कि बेटा चाबी दे दो मैं जाता हूं, तो आपने बोला क्यों बाबा, बाइक में हवा ना बा, हवा नहीं है, बाइक में हवा नहीं है, हवा ना है, ठीक है, हवा ना, हवा नहीं है बाइक में, हवा नहीं है, हवा ना, तो क्यू बाबा हवा ना, ठीक है, क्यूबा का क्या हो जाएगा, हवा ना हो जाएगा। नेक्स्ट रूस, ठीक है, रूस, रूस का क्या है, रूसना, रूस का क्या है, रूठना, जिसे बोलते हैं रूसना, ठीक है, रूसना, आप रूस, रूस गए हो, क्यों, मांस खाने के लिए, क्या खाने के लिए, मांस, क्यों, क्यों रूस गए, क्योंकि आपको मांस बहुत कम दिया गया खाने के लिए, आप रूठ गए, ठीक है, रूस गए, रूसना, इतना क्यों रूसते हो, ऐसा बोला जाता है, ठीक है, तो आप रूस गए, रूस नहीं गए, रूस गए मतलब रूठना, ठीक है, रूस गए क्यों, क्योंकि आपको मांस कम मिला, मांस खाने को नहीं मिला, तो रूस का क्या हो जाएगा, मास्को, ठीक है, रूस का क्या हो जाएगा, मास्को। यहां से मैंने मास वर्ड निकाला, यहां से मैंने हवा ना वर्ड निकाला, यहां से मैंने माना मा निकाला, यहां से मैंने नारोबी निकाला, ठीक है। नेक्स्ट मिश्र, मिश्र, मिश्र का क्या होगा, मिश्री, मिश्री का हीरा, मिश्री का हीरा, देखो कितना फटाक से आ रहा है, मिश्र, तो मिश्री का हीरा मैंने कभी नहीं देखा है, आप ले भी, आपने अगर देखा होगा तो बहुत अच्छी बात है, मिश्री का हीरा, ठीक है, मिश्री का हीरा, इससे मेरे माइंड में ये सेट होगा कि मिश्री का हीरा होता कैसा है, मिश्री का हीरा दिखता कैसे है, तो मिश्री का हीरा, मिश्र, मिश्री की राजधानी क्या है, का हीरा, मिश्र का हीरा, मिश्री, ठीक है, मिश्री का हीरा, मिश्र। नेक्स्ट बांग्लादेश, बांग्लादेश, यहां से वर्ड निकलेगा बंगला, सिंपल सा है, बांग्लादेश से कौन सा वर्ड निकलेगा, बंगला, एक बांग्लादेश में बहुत बड़ा क्या है, बंगला है, जो कि ढका हुआ है, क्या हुआ है, ढका हुआ है, तो बांग्लादेश का ढाका, ढका हुआ है ना, बांग्लादेश में बहुत बड़ा बंगला है, यहां से कौन सा वर्ड निकला, बंगला, यहां से कौन सा वर्ड निकला, ढका, तो बांग्लादेश एक बहुत बंगला, बांग्लादेश में बहुत बड़ा बंगला है जो कि पूरी तरह से ढका हुआ है, तो बांग्लादेश का ढका। नेक्स्ट जापान, 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 जापान से वर्ड निकलता है पान, जब भी मैं पान लेने जाऊंगा, आप एक व्यक्ति को बोल रहे हैं, जब भी मैं पान लेने जाऊंगा तो बीच में टोकियो मत, बीच में मुझे टोकना नहीं है, अगर आपने टोका तो आप गए, जब भी मैं पान लेने जाऊंगा आप मुझे बीच में टोकेंगे नहीं, टोकियो, ठीक है, तो यहाँ पे टोकियो, तो मैंने क्या यहां से वर्ड निकाला, टोकियो, ठीक है, तो जब भी मैं पान लेने जाऊंगा आप मुझे बीच में टोकेंगे नहीं। नेक्स्ट चीन, चीन का क्या है, तो आप इमेज बनाते जाइए फटाफट, मैंने भी इमेज बनाया, आप भी इमेज बनाइए, मैं चाहता हूं आपको भी फटाफट सारे क्यूब्स याद, ये सब याद हो जाए, ठीक है, कंट्रीज आप पूरी पूरी कंट्री की कैपिटल्स बता सकते हैं। नेक्स्ट चीन, ठीक है, अब चीन से आप कौन सा वर्ड निकाल सकते हो, ठीक है, तो चीन का क्या है, बीजिंग, अब यहां से चीन ही लीजिए, आप क्या करिए, चीन ही वर्ड लीजिए, चीन लोग बहुत ज्यादा बिजी होते हैं, क्यों, क्योंकि आप भारत में देखते हो ज्यादा ज्यादा किसके फोन यूज किए जाते हैं, चाइना वालों के फोन यूज किए जाते हैं, तो चाइना लोग जो होते हैं अपनी पूरी जिंदगी फोन बनाने में लगा देते हैं, मोबाइल फोन ही बनाने में लगा देते हैं, ठीक है, तो चाइना वाले बहुत ज्यादा बिजी होते हैं किसमें, फोन बनाने में, तो बहुत ज्यादा क्या होते हैं, बिजी होते हैं, बीजिंग, क्या होते हैं, बीजिंग, बहुत ज्यादा क्या होते हैं, बीजिंग होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट लीबिया, ठीक है, तो लीबिया का क्या है, हुन, लीबिया, ठीक है, तो लीबिया का हुन कैसे हुआ, देखो लीबिया, मैंने यहां से लीबिया से वर्ड निकाला है जलेबिया, क्या, जलेबिया, ठीक है, जलेबी आप सब लोग जानते हो, बस इसमें यहां लगा देना जलेबिया, ठीक है, तो यहां से जलेबिया, मैंने आपको पूछा आप जलेबिया जलेबी खाओगे, आपसे क्या पूछा, जलेबी खाओगे, जलेबिया खा, या भोजपुरी में बोलते हैं, ठीक है, जलेबी आप समझ लीजिए थोड़ा सा, तो जलेबी आप खाएंगे, ऐसा मैंने आपको पूछा, तो आप बार बार हूं कर रहे हो, ना कर रहे हो, पहले बोलते हूं, जैसे मैं जलेबी आपको दे रहा हूं तो आप बोलते ना, फिर मैं जलेबी पीछे ले रहा हूं, बोलता जलेबी खाओगे, बोलते हूं, तो मैंने फिर से दिया, तो मैंने बोला क्या हूं ना, हूं ना लगा के रखे हो, तो जलेबिया का क्या हो गया, हुना, क्या हो गया, हुना, ठीक है, तो हुन, लीबिया का क्या हो गया, यहाँ पे हुना है, ठीक है, तो जलेबिया का क्या हो गया, हुना। नेक्स्ट चिली, चिली,
जलेबिया का क्या हुआ हुना, जलेबी मैं आपको दे रहा हूँ तो आप बोलते हूँ, फिर नहीं दे ले रहा तो सॉरी, दे रहा तो बोलते हो सॉरी। मैं जैसे आपको पूछा जलेबी आप खाओगे तो आप बोलते हूँ, जैसे मैं आपको दे रहा हूँ तो आप बोलते हो ना, ठीक है। नेक्स्ट चिली, चिकन चिली आप सब लोग जानते हो चिकन चिली, ठीक है, चिकन चिली से तो याद आ गया रहेगा आपको, ठीक है। चिली तो चिकन चिली, चिकन चिली का क्या है, शांति योग। आप चुपचाप घर पे बैठे थे, मस्त में शांति योग कर रहे थे, एकदम शांति से बैठे थे, शांति से योग कर रहे थे, शांति से क्या कर रहे थे, योगा कर रहे थे, योगा शांति योगा, ठीक है। आप शांति योगा कर रहे थे तो शांति से जब आप योग कर रहे थे तो आपको ऐसा आराम से आप बैठे हो आग बंद करके, आप शांति से योग कर रहे हो, अचानक आपको चिल्ली की खुशबू आ गई। किसकी खुशबू आ गई, चिकन चिल्ली की, खत्म फिर योगा। तो इसलिए चिल्ली का क्या हो गया, शांति योगा। आप चिल्ली की सुगंध कब आई थी, जब आप शांति में योगा कर रहे थे। नेक्स्ट पोलैंड, पोलैंड, पोलैंड का वर्षा होता है, पोलैंड का वर्षा, तो आप पोल के पास खड़े हो, आप पोल के पास ऐसे पकड़ के खड़े हो पोल को, बोल रहे हो अब तो वर्षा आने वाली है, मैं यहां से तो नहीं हिलूंगा, क्योंकि पोल के ऊपर एक बहुत बड़ी छतरी लगी हुई थी, आपको पता चल गया कि बारिश आने वाली है, तो आप पोल पकड़ के क्या हो गए, खड़े हो गए, क्यों, क्योंकि वर्षा आने वाली थी, तो पोल का क्या हो जाएगा, वर्षा, ठीक है, पोल का क्या हो गया, वर्षा। नेक्स्ट फ्रांस, फ्रांस का है पेरिस, फ्रांस का है पेरिस, फ्रांस कैसे पेरिस हो गया, देखो फ्रांस आप गए थे, सपोज आप फ्रांस गए थे और वहां जाके फंस गए, क्या हो गया, फ्रांस से वर्ड निकला फंस, फंस गए, और जैसे ही आप फंसते हो तो जो जो चारों लोग आपके होते हैं, आपके चारों लोग, चारों तरफ जो लोग होते हैं उनको आप क्या करते हो, पैर से मारते हो, क्या करते हो, पैर से फटाफट मारते हो उनको कि मुझे छोड़ो, मुझे छोड़ो, किससे मारते हो, पैर से। आप फ्रांस गए थे, आपको कब्जा कर लिया गया, फंसा लिया गया, वहां पे आपको फंसा दिया गया, तो आप उन लोगों को क्या कर रहे हो, पैर से मार रहे हो, किससे मार रहे हो, पैर से, तो क्या हो गया, पेरिस, यहाँ पे पैर से मार रहे हो तो पेरिस, ठीक है, इस तरह से। नेक्स्ट हंगरी, हंगरी, हंगरी का बूढ़ा पेस्ट, हंगरी का क्या है, बूढ़ा पेस्ट, हंगरी का कैसे बूढ़ा पेस्ट मैंने याद किया, देखो हंगरी मतलब होता है कि भूखा आदमी, तो किस तरह से इमेजिन करना है, आप लोग इतने वीडियो मेरे देखे रहोगे तो आपको समझ गया रहेगा किस तरह से इमेजिन करना है। हंगरी मतलब होता है भूखा, तो एक भूखे आदमी को, एक बहुत भूखा आदमी है और एक व्यक्ति आता है अपनी BMW लेके, और वो आदमी बहुत बूढ़ा रहता है, तो अपनी कार से निकलता है, वो निकलता तो ऐसे है कि जैसे कि इसको तुरंत अंबानी बना देगा इस बूढ़े आदमी को, बट वो निकलता है और उसको पेस्ट देता है, पेस्ट देता है, बोलता है टूथपेस्ट देता है और बोलता है इसको खा लो, ठीक है। तो बूढ़ा आदमी ने क्या दिया, पेस्ट दिया, किसको, हंगरी व्यक्ति को, तो हंगरी का क्या हो जाएगा, बूढ़ा पेस्ट, वो बूढ़ा आदमी क्या देता है, उसको पेस्ट देता है खाने को, ठीक है, तो बूढ़ा पेस्ट। नेक्स्ट आप इमेजिन करते चले जाइए बुलगरिया, ठीक है, बुलगिरिया, इसको बुलगरिया को क्या करिए, बुलगिर, बुलगिर, ठीक है, बुलगिर गया, कहां पे गिर गया, सोफिया पे गिर गया, सोफिया, ठीक है, बुलगिर गया, यहाँ पे बहुत सारे बन सकते हैं, ठीक है, एक ही नहीं बन सकते, सोफिया की लड़की का भी नाम आप ले सकते हो, बट यहाँ पे मैं कोड के थ्रू बताने वाला, तो आप ध्यान दीजिए, देखिए बुल मतलब सांड, कोई सांड है, बुलगिरिया, बुल गिर गया, सोफा पे, सोफा पे गिर गया, सोफा, सोफा आप समझते ना, सोफा पे गिर गया, तो सोफिया, सोफा पे गिर गया, कौन गिर गया, कौन गिर गया, बुल, ठीक है, तो यहां से वर्ड निकल के आएगा, बुल गिर गया सोफे पे, बुल गिर गया सोफे पे, ठीक है, तो बुल गिर गया सोफिया। नेक्स्ट मोरक्को, मोरक्को, मोरक्को का क्या है, देखो अब इससे पहले कोड क्या बनता है, मोरक्को से आएगा मेरे को, क्या आएगा, मेरे को, आप बोलते हो ना मेरे को तो ऐसा चाहिए, मेरे को ऐसा चाहिए, ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे मेरे को आया मोरक्को, मेरे को, देखो आप बहुत टेंशन में थे, आप बहुत टेंशन में थे, तो आपसे गॉड मिलते हैं, ठीक है, आप उन गॉड को अपने प्रॉब्लम्स बताते हो, बट वो गॉड आपके प्रॉब्लम्स को नहीं सुनते हैं, और फिर आप दोबारा गॉड को बुलाते हो तो गॉड आते ही नहीं, गॉड आते ही नहीं, बोलते हैं आप गॉड आपने मुझसे प्रॉमिस किया था कि मेरी इस प्रॉब्लम को हटाएंगे, बट आपने हटाया नहीं, और वो सेकंड टाइम आपसे मिलने ही नहीं आते, तो आप बहुत गुस्से में बोलते हो कि अब मैं रब से बात नहीं करूंगा, रब से बात नहीं करूंगा, किससे बात नहीं करूंगा, रब से, तो अब मेरे को रब से बात नहीं करना है, मेरे को किससे बात नहीं करना, रब से बात नहीं करना है, तो रब बात, मुझे रब से, यहां से आ निकला रब, यहां से बात, मुझे रब से बात नहीं करनी है, अब मुझे रब से बात ही नहीं करनी है ना, क्योंकि मेरे प्रॉब्लम्स को सॉल्व ही नहीं करते हैं, तो मेरे को रब से बात नहीं करना है, मोरक्को का रब से बात नहीं करना है। नेक्स्ट दक्षिण अफ्रीका, दक्षिणी अमेरिका का पिटोरिया, ठीक है, दक्षिणी अमेरिका का क्या है, पिटोरिया, तो अब दक्षिण अमेरिका का पिटोरिया कैसे हुआ, देखो एक रिया नाम की लड़की थी, दक्षिण अमेरिका, दक्षिण अफ्रीका को दक्षिण अफ्रीका रखिए, पिटोरिया, आप यहां पे देखो इसको
पीटो और रिया कर सकते हो अलग अलग, पीटो रिया। तो आप इतना समझ गए ना, पीटो मतलब होता है पीटना, रिया नाम की लड़की को पीटा जा रहा है। तो आप स्टोरी अब कैसे बनाएंगे, देखिए आप पिटोरिया, रिया आपको बिना बताए दक्षिण अफ्रीका चली गई, आपको बिना बताए दक्षिण अफ्रीका चली गई। आप उसको कॉल करते हो तो आप बोलते हो कि तुमने मुझे बताया क्यों नहीं, अब मैं तुमको पीटूंगा, ठीक है, पिटोरिया, पिटोरिया, रिया को पीटो। या फिर आप ऐसे बोल सकते हो, आप कॉल लगा के बोल रहे थे तो वहां पे कोई आपको पहचान का मिल गया, सपोज वो बोलते हैं कि रिया मिल गई, तो आप उनको बोलते हो कि पीटो रिया को, क्या करो रिया को पीटो, क्यों, क्योंकि बिना बताए चली गई, तो आप क्या करो पीटो रिया। तो कौन गया अफ्रीका, रिया गई, वहां पे किसी पहचान मिल गई, वो पहचान ने आपको बता दिया कि रिया यहाँ पे है, तो आप उसको बोल रहे हो कि उसको पकड़ के पीटो, पीटो रिया। तो पीटो रिया दक्षिण अफ्रीका क्या हो गया, पीटो रिया, ठीक है। अब उसके बाद रवांडा, रवांडा की गाली, रवांडा की गाली है, रवांडा का क्या है की गाली, रवांडा का क्या है की गाली। अब यहाँ पे अलग अलग हो गया, देखो की अलग हो गया, गाली अलग हो गया। तो आप रवांडा, आप अपने दोस्त को बोलते हो, देख तू मुझे हर बार यही वर्ड बोलता है हमेशा गाली देने के लिए, रवांडा, ये रवांडा वर्ड कौन सा होता है मुझे नहीं पता, तू मुझे यही गाली क्यों देता है। तो आपने उसको बोला कि रवांडा की गाली मत दे, रवांडा की गाली मत दे। तो आपने उसको क्या बोला, रवांडा की गाली मत दे, की गाली मत दे, तो रवांडा की गाली, की गाली, ठीक है। तो ये हो गया रवांडा की गाली, ठीक है। नेक्स्ट जिम्बाब्वे, ठीक है, जिम्बाब्वे का हरारे है, हरारे, ठीक है, हरारे, हरारे। अब आप जिम्बाब्वे, जिम्बाब्वे से बहुत दुश्मनी आपकी, जिम्बाब्वे एक ऐसा टीम है क्रिकेट टीम में कि बहुत ज्यादा आपकी उसमें सबसे ज्यादा दुश्मनी किससे है, तो आपके जिम्बाब्वे से, आप धोनी के बहुत बड़े फैन हो, तो आप धोनी को ऐसे बोलते हो कि धोनी इस बार बुरी तरह से जिम्बाब्वे को हरा रहे, इस बार हरा दे रहे तो मेरे को मजा आ जाएगा, ठीक है, ऐसा। तो आपने बोला धोनी को कि जिम्बाब्वे को हरा रहे, जिम्बाब्वे को हरा रहे, आपने धोनी को बहुत गुस्से में बोला हरा रहे उसको, ठीक है, हरा रहे जिम्बाब्वे को। नेक्स्ट तो जिम्बाब्वे का हरा रे। नेक्स्ट नाइजर, नाइजर का क्या है नियामी, नाइजर का क्या है नियामी, ये आप मुझे बताएंगे, ठीक है, नाइजर का आप मुझे बताएंगे, ठीक है, नियामी, नाइजर का क्या करेंगे आप मुझे इसका बताएंगे कि इसका नियम, इसका नियम वर्ड बना सकते हो आप, ठीक है, सिंपल है, आप बताइए मुझे, कमेंट करिए, क्योंकि आप वीडियो अगर देख रहे हैं आपको समझ रहा है तो आप प्लीज मुझे, तो इसका कौन बनाएगा, इसका आप बनाओगे, ठीक है, नाइजर का नियामी मुझे आप बना के दिखाएंगे, आप इसको बनाओ और कमेंट करो मुझे, कमेंट करके मुझे बताओ कि आपने इस चीज को क्या बनाया। अगर आप मेरा वीडियो देख रहे हैं आपको अच्छा लग रहा है तो प्लीज कमेंट करेगा, ताकि मुझे भी पता चले कि हाँ मेरे वीडियो को आप लोग देख रहे हैं, और नहीं भी आ रहा तो आप कमेंट कर रहे हैं, और इसका आंसर मैं देखता हूँ कि सबसे पहले कौन देता है, ठीक है, इस चीज का, नाइजर का नियामी, ठीक है। आइए नेक्स्ट, नाइजीरिया, नाइजीरिया का है लागोस, नाइजीरिया का क्या है लागोस। अब यहाँ पे देखिए नाइजीरिया, आप इसको अगर डिवाइड करेंगे तो नाइजीरिया क्या है, नाइजीरिया, नाइजीरिया, तो नाइजी ने रिया को अपने आगोश में लिया, अपने आगोश में ले लिया, रिया को अपने आगोश में किसने लिया, नाई ने, तो इसका आगोश का क्या हो जाएगा, लागोस, ठीक है। तो इस तरह से, तो आगोश में किसने लिया, नाई ने, आगोश का लागोस, तो नाई ने क्या किया, रिया को अपने आगोश में ले लिया, तो नाइजीरिया का आगोश, ठीक है, लागोस, उसका कैपिटल क्या हो जाएगा, लागोस। नेक्स्ट सेना नाल, सेना सेनेगाल, ठीक है, सेनेगाल, सेनेनाल का क्या हो जाएगा, यहाँ पे दो आप बनाइए, एक तो सेने मतलब होता है सेना, और नाल से बनाइए गाल या गला बनाइए चलेगा, गाल बनाइए गला बना दीजिए, सेना गला, इसका है कैपिटल डकार। तो मुझे कैसे याद आया, क्योंकि मैं गला देख रहा हूँ, मुझे डकार याद आ रहा, क्योंकि सेना लोग भी गले से ही डकार लेते हैं, ठीक है, सेना लोग भी किससे, सीधी सी बात है, वो लोग भी गले से डकार लेंगे, तो सेना लोग भी किससे डकार लेते हैं, गले से ही डकार लेते हैं, तो सेना गला क्या डकार, सेना गला का डकार क्या हो जाएगा, कैपिटल, ठीक है, तो सेना गला डकार, सेना लोग भी किससे डकार लेते हैं, गले से ही डकार लेते हैं। नेक्स्ट मोजाम्बिक, ठीक है, अब ये मोजाम्बिक का मपूतो, सपूतो, ठीक है, मपूत, मपूतो, इसका आप मुझे बताएंगे, इसका फिर भी मैं आपको बताता हूँ, पर फिर भी आप मुझे कमेंट करके बताएंगे कि इससे अच्छा आपको क्या आता है, ठीक है, इससे अच्छा अगर आप बनाएंगे तो मुझे बहुत खुशी होगी। मोजाम्बिक, मोजाम्बिक का हो जाएगा मोजाम्बिका, मोजाम्बिका, आपने 5 करोड़ मुझे या 10 करोड़ मुझे इतना बनाएंगे जो राइट ब्रेन में घुस पाए, 20 करोड़ मुझे, सबको समझ गए, आपने 20 करोड़ मुझे एक दिन में बेच दिया, मोजाम्बिका, और आप ऐसा घूमते जा रहे हो अपने घर पे,
और आपने सभी सपूत, आपके जितने सपूत हैं, आपने सभी अपने सपूतों को बोला कि सारे मोजे बिक गए, मोजा बिका, सारा मोजा बिक गया, ठीक है, मोजाम्बिक, मोजाम्बिक, मोजा बिका। तो आप किसको बोल रहे हो, सपूतों को बोल रहे हो, सपूतों से क्या हो जाएगा, मपूतो, ठीक है। तो आप सभी सपूतों को बोलो कि सारा मोजा बिक गया, ठीक है। चलिए तो ये हो गए कैपिटल्स टोटल 22। इसके बाद की एक वीडियो में आपको और 20 बताऊंगा, ठीक है। उसके बाद के जो होंगे मैं पीडीएफ बना के टेलीग्राम पे डालने वाला हूँ, ठीक है, क्योंकि पूरे लेक्चर्स में उसको पता के मतलब नहीं है, तो मैं उसको टेलीग्राम पे डालूंगा। आप मुझसे टेलीग्राम पे जुड़ने के लिए नीचे दिए हुए डिस्क्रिप्शन लिंक कैसे देखो, वहां पे आप जाएंगे ना तो जस्ट मेरे वीडियो के नीचे आपको कैसा एरो दिखेगा, एक ऐसा एरो दिखेगा, उस एरो पे आप अगर क्लिक करेंगे तो मेरा डिस्क्रिप्शन आता है। उस डिस्क्रिप्शन में आप नीचे की तरफ जाइए, नीचे की तरफ आप जाएंगे तो उसे स्क्रॉल कीजिए और नीचे देखिए, वहां पे टेलीग्राम लिखा रहता है। टेलीग्राम के जस्ट बाजू में एक ऐसा लिंक दिया रहता है, आप जैसे उस लिंक पे क्लिक करेंगे आप सीधा मेरे टेलीग्राम से जुड़ जाएंगे, ठीक है। तो इस तरह से मेरे टेलीग्राम पे जुड़ना है, वहां पे मैं इसके पूरे पीडीएफ को अवेलेबल करा दूंगा। बट मैं इतना रिक्वेस्ट करूंगा कि आप भी बनाइए, क्योंकि आप बनाएंगे तो आपको बेटर होगा। इसके बाद आप ये टेक्निक सीख जाएंगे, फिर आपको कहीं भी कोई भी चीज भूलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इतना मैं गारंटी लेता हूं कि आप फटाफट कोई भी चीज बाहर कर सकते हो, कोई भी चीज याद कर सकते हो। यहाँ पे बाहर याद कुछ नहीं करना रहता है, सबकी सब चीजें समझी जाती है, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, 20 और लेंगे, उसके बाद में पीडीएफ बना के आपको अवेलेबल करा दूंगा, ठीक है। तब तक के लिए नमस्कार।